बादशाह टाइम का सिक्का है ये। बादशाह के टाइम का सिक्का है ये, बादशाह के वक्त का। सो गाइस, ऐसे ये संवत का, संवत के वक्त का ये सिक्का है। विक्टोरिया, विक्टोरिया क्वीन, उनके वक्त का ये 1008 जयमा कामच्छा। तो ऐसे दुर्लभ सिक्के देखने को इस जगह पे मिल रहे हैं। सिक्कों को अपने घर पे रखना या फिर इनको बेचना, अगर मेरे पास घर में भी है तो कहीं इस तरह की इलीगल वर्क तो नहीं होगी। हाय फैम, आप सो कि आप लोग सभी ठीक हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा होटल जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी हरिद्वार में। दो तीन दिन कुंभ स्नान करने के लिए जब आया था, एक तरह का लॉज है, नाम है लॉज हंस निवास। पीछे ये छोटी सी गली है, उस गली में मैं रुका हूँ अभी। और मैंने सोचा कि जब हूँ यहाँ पे तो मार्केट थोड़ी सी घूम ली जाए। बस अभी यहाँ के मार्केट जा रहे हैं क्योंकि कल ही चीज़ें कुछ मैंने देखा है, तो मैंने सोचा कि मुझे शूट करना चाहिए। सो यहाँ से निकलते ही देखिए मार्केट करने जा रहा था, इस जगह पे मैं ठहरा था। ये सभी जो है बड़े सस्ते दर पे मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे बैग्स हैं यहाँ पे। ये देखिए जो घड़ी बिक रही है और चश्मे आप देख रहे हैं, ये सब हर एक माल 100 रुपया है, सेल 99 ओनली। अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी लग पड़ी है उत्तराखंड इस वक्त हरिद्वार में। ये सभी लकड़ी के बने हुए हुक्स जिसमें हम कपड़ा हैंग करते हैं, ये लकड़ी की गाड़ियाँ छोटी छोटी। ये वाच आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत सही मार्केट है यार यहाँ का। साफ साफ आपको लिखा मिल जाएगा, थाली 50 रुपये प्लेट, इसमें से बड़ा नॉर्मल सा दाल फ्राई, दो सब्जी, हाफ चावल, चार रोटी, ऐसा करके कुछ मिलता है। फिर देखिए 100 रुपये में बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, हर एक माल 100 रुपये ऐसा। तो बहुत सही चीज़ लगती है मुझे कि लिख दिया जाता है। कल मैंने यहाँ पे गुपचुप भी खाया था, मैं आपको बता दूँ 20 रुपये में 4 पीस गुपचुप मिली थी मुझे। सो ये था कॉस्ट। साथ बहुत हवा चल रही है यार, पता है कल मैंने यहाँ पे कैलाश खेर को भी देखा था, वो गुजर रहे थे तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैलाश खेर थे, वरना मैं वीडियो ज़रूर शूट करता। मुझे बड़े पुराने सिक्के यहाँ पे देखने को मिले गए यहाँ पे, तो मैं पता करता हूँ थोड़ा सा कि क्या रेट है। ये पुराने सिक्के बहुत पुराने पुराने हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। अंकल जी ये पुराने सिक्के आप ही बेच रहे हैं? ये पुराने सिक्के आप ही बेच रहे हैं? हाँ जी आप ही बेच रहे हैं, थोड़े से देख लूँ मैं। देखिए गैस, 1818 का सिक्का मुझे एक दिखा है इस जगह पे, लिखा हुआ है यूके टू अन्ना, मतलब दो आने का ये पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का 1818 का है। एक पैसा मुझे मिला है देखने को, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 का है, इसकी इस भी जैसा लिखी हुई। और सबसे अमेजिंग बात देखिए गैस कि शिव जी की मूर्ति छपी हुई है एक साइड में, और 1616 में बना हुआ ये 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसे। ये एक मिला हुआ है 786, जो शायद मुझे जहाँ तक समझ में आता है मुस्लिम लोगों के घरों में ये कोड रहता है, तो ये पुराने ज़माने का सिक्का, मुझे नहीं पता ये कितना पुराना है, बट वाकई ये भी जो देखने को मिला है मुझे काफ़ी पुराना है ये। और तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो पैसे आप देख रहे हैं, दो पैसे, इन दो पैसे में हमने बहुत बार चॉकलेट खरीद के खाया है बचपन में, मुझे जहाँ तक याद है मिली हुई है। और एक पुराना सिक्का मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, पता नहीं ये कितना पुराना है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 1945 का है ये सिक्का, देख पा रहे हैं, होप सो के दिख रहा होगा, हाँ ये दिखा 1945 का, और ये है पाइस इंडिया, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से लिखा हुआ। बगल में भागवत कथा हो रही है तो शायद उसकी आवाज़ आ रही है। ये भी है कि वन आना, ये एक आना है,
आप देख सकते हैं एक आना लिखा हुआ है पैसे में, और ये 1842 ऐसा कुछ लग रहा है देखने में। एक और सिक्का मुझे दिख रहा है, ये 4 फुट पता नहीं कितनी पुरानी है, यकीनन ये बहुत पुरानी होगी। अंकल जी इस सिक्के के बारे में बता सकते हैं किसकी सिक्की है ये? बादशाह के वक्त का। सो गाइस ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ना, ये बादशाह के वक्त का सिक्का है। वाकई देख करके अजीबोगरीब मुझे लग रहा है। ये फर्स्ट है, मेरी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं दिखाया हूँ आपको। और ये है जॉर्ज किंग एम्पीरियर के ज़माने का सिक्का। ये फोकस हुआ, देखिए जॉर्ज किंग्स एम्पीरियर का ज़माने का सिक्का। और ये सिर्फ पूजा हेतु है, पूजा वूजा जब भी हो गया तो उसके लिए। एक है ये सच बोलो सच बोलो, ये भी पुराने ज़माने के सिक्के हैं, देख सकते हैं आप। और ये है दो आना, ये भी 1818 का है। तो पहले जो सिक्के होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने के भी, तो उसमें पीछे साफ साफ देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अपने कल्चर से जुड़ा होता था। तो आपको मैंने बादशाह के ज़माने का सिक्का दिखाया, और चलिए मैं थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ कि इन सिक्कों के बारे में कि ये क्या मतलब। और कुछ सिक्के रखे हैं, उससे पहले कि और कुछ सिक्कों को मैं देख लेता हूँ, उसके बाद पता करूँगा। तो ये सिक्के, ये 1 पैसे की लग रही है, ये भारतीय सिक्के ही लग रहे हैं मुझे। ये एक नया पैसा 1962 का है, आप देख पा रहे होंगे ये 1962 का है। एक पैसा ये जिसको अलग करके छांट करके रखा गया है। ये एक और मिला है बादशाह के ज़माने का, ये वाला 10। इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये कितने रुपए में मिल रहे हैं। ये जो मैंने बादशाह के ज़माने का अभी सिक्का दिखा है उसका क्या मूल भाव है, कीमत ऐसे ही लगेगी करीब 200 रुपये के लगभग, मैं मान रहा हूँ। एक सिक्के 200 रुपये के, हाँ। इसमें और रियल भी है ना, इसमें और बढ़िया वाले सिक्के भी हैं, वो मैं दिखाऊंगा। 200-300 वाले भी हैं, 400-500 वाले भी हैं। अच्छा, अलग अलग रेट हैं इनके। ये कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, ये लो इस कंडीशन में ये है, ये 300 रुपये का है, ये रियल है, वो रियल नहीं, मतलब ना के बराबर कीमत है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये मिलते नहीं हैं। सो इनके जो कॉस्ट है ये काफ़ी रेयर की वजह से काफ़ी हाई रेट में ये मिलती होगी। तो इसका जो रेट है, ये रेट कितना होगा इसका? ये जो आपने तो इनका हजारों में है, वो तो हमारे यहाँ गंगा जी से निकलता है, तो इसलिए सस्ता है, आप समझ लो कि रेट तेज नहीं है, सस्ता। अच्छा, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये औरों के और जगह के मुकाबले ये बड़े सस्ते रेट यहाँ पर रखे गए हैं। इस हरिद्वार में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि बड़ी यूनिक लगती है। और जो 1 पैसा का आपने अलग करके रखा है उसका क्या रेट है? 10 रुपये। आप देख पा रहे हैं एक सिक्का जिसको अलग करके रखा गया, 1 पैसे का जो भी हमें मैंने दिखाया उसका दाम है 10 रुपया। आप समझिए वक्त की कितनी वैल्यू है। सो गाइस अभी इस वक्त जो आप सिक्का देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये संवत का है। मतलब जैसे आपको पता होगा जो भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके जो अपने कैलेंडर्स चलती हैं, तो जैसे अभी सन 1981 1980 ये सारे जो आप देख पाते हैं सिक्के, ये संवत में चलता था, संवत के वक्त का था। मतलब जैसे अभी 2078 चल रहा है हिंदू कैलेंडर के तहत, तो ऐसे ये संवत के वक्त का ये सिक्का है। विक्टोरिया क्वीन उनके वक्त का ये सिक्का आप देख सकते हैं। बड़ा ही हैरत अंगेज इस सिक्के को देख करके हुई है मुझे। शायद 1814 लिखा हुआ है, सन 1814 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आज के वक्त के भी आपको यहाँ पे सिक्के देखने को मिल सकते हैं। ये 50 पैसे, ये 50 पैसे जो खुद कुछ दिन पहले ही बंद हुई है भारत में चलना। 2 रुपये के सिक्के आप देख सकते हैं, ये भी आजकल रेयर ही मिलता है देखने को। इस 2 रुपये के सिक्के का अभी क्या रेट है? ये जो 2 रुपये का सिक्का है 10 रुपया फोटो वाला है ना, ये फोटो वाले ही वैसे तो 2 के सिक्के बहुत। अच्छा, ये फोटो वाले जो पीछे हैं, फोटो वाले हैं वो 10 रुपये जो पीछे इसके आकार बने हुए हैं। तो अगर गाइस आपके पास भी ये 2 रुपये के सिक्के
अभी भी मौजूद होंगे आपके घर में, तो इसको आप संभाल कर रखिए। हो सकता है कि आपको इसके बड़े अच्छे दाम मिल सकते हैं वक्त आने पे। सो और कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सिक्का मुझे दिखा है गाइस, जिसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या छपा हुआ है। ये है यूके हाफ आना, ये भी 1815 के आसपास का है शायद, और इसके पीछे छपा हुआ है नाग देवता। तो आप देख रहे हैं ये पुराने सिक्के। एक पुराना सिक्का और है जिसमें पीछे छपा हुआ है सिंह के ऊपर भोले बाबा और उनके ही नाभि से निकली हुई माँ शक्ति, जिनका लिखा गया है जय माँ कामाख्या, ओम श्री 1008 जय माँ कामाख्या। तो ऐसे दुर्लभ सिक्के देखने को इस जगह पे मिल रहे हैं। कभी भी अगर आप हरिद्वार आएँ तो इन जगहों को जरूर घूमें। ये कुछ एंशियंट लगता है देखने में, जानने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। सो गाइज, कभी भी आप हरिद्वार आते हैं इस हरि के नगरी पे गंगा स्नान करने के लिए, तो इन जगहों पे ज़रूर आएँ और ऐसे एंशियंट चीज़ों को भी ज़रूर आप देखें। इनको भी अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं, और मेरा विश्वास है कि इन चीज़ों को देख करके आपको बिल्कुल पुराने ज़माने में जीवित होने का साक्षात, आपको शायद पुराना ज़माना भी आपके वक्त का, आपके ज़माने का वक्त भी आपको याद आ जाए, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आप अभी भी पुरानी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सो डोंट मिस आउट। और इसी के साथ ये ब्लॉग ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारे सिक्कों के दाम भी सुनाए कि किस प्रकार से हैं। एक और क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इन सिक्कों को लेता हूँ तो किसी भी तरह के कोई भी इलीगल काम तो मेरा नहीं गिना जाएगा। अंकल जी, इन सिक्कों को अपने घर पे रखना या फिर इनको बेचना अगर मेरे पास घर में भी है, तो कहीं इस तरह की इलीगल वर्क तो नहीं होगी? अच्छा 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 ट्रांजेक्शन्स। सो मेरी ये क्यूरियोसिटी थी पूछने की, तो इन्होंने साफ साफ बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है मेरा। इन्होंने बताया कि ये जो छोटे छोटे सिक्के आप अभी इस वक्त देख पा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे सिक्के हैं, इनको असल मायने में अभी इसलिए बेचा जा रहा है ताकि जो भी इच्छुक लोग हैं वो अपने घर में रखें खरीद करके, और अपने बच्चों को दिखाएं, अपने सांस्कृतिक के बारे में दिखाएं, अपने कल्चर्स के बारे में दिखाएं कि कभी हमारे यहाँ करेंसी इस टाइप से हुआ करती थी, सिक्के ऐसे होते थे। ये सिर्फ सन के नहीं, संवत के भी सिक्के हैं। तो और ऐसा कोई इलीगल वर्क नहीं है कि हम इसे खरीदें या बेचें, तो बिल्कुल ये इसलिए ही किया जाएगा बिकॉज हमें अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना है। मान के चलिए कि अभी किसी के घर पे ये सिक्के नहीं हो, तो ये यहाँ से खरीद करके लेके जा सकते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को ये दिखा सकते हैं। तो चलिए, इन बातों के साथ इस सुंदर से बड़े अच्छे दुर्लभ ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, बिल्कुल जैसा मुझे अच्छा लगा है, बड़ा एंशियंट देखने को मिला मुझे। तो गाइज, अब मैं चलता हूँ इस जगह से, मैं एक या दो दिन बाद अब निकलूँगा, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे स्थगित करता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे एक नए यात्रा में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और थैंक यू अंकल जी। तो अब आप भी कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।